Kumar Kashyap. 4 minutes. सर आपने मुझे संविधान 123 संशोधन बिल 2017 पर बोलने का मौका दिया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। इस बिल के पास होने पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिल जाएगा, अतः इसलिए मैं बिल का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री गहलोत जी का धन्यवाद करता हूं कि इस बिल के पास होने पर पिछड़े वर्ग के लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएँ का समाधान होगा और जो इसको पावर मिलेगी कमीशन को, उनको शक्तियाँ मिलेंगी तो सभी पिछड़े वर्ग का विकास हो। इसके लिए मैं एक दो सुझाव और देना चाहता हूं। जैसे अभी इस बिल के बाद पिछड़े वर्ग आयोग का गठन होगा, इसमें 5 मेंबर इसमें कमीशन बनेंगे, एक चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, 3 मेंबर। तो मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, जो ये मेंबर बने सभी पिछड़ा वर्ग ओबीसी से पिछड़े वर्ग से बने और इसमें भी 2 पद ऐसे होने चाहिए जो, देखो पिछड़े वर्ग की लिस्ट बहुत लंबी है सेंटर में, इसमें पिछड़े वर्ग में अति पिछड़े वर्ग में बहुत जातियाँ आती हैं। निषाद आता है, कश्यप आता है, धीमान आता है, झांगड़ा आता है, बाल समाज आता है, सैनी समाज आता है, अन्य बंजारा समाज आता है, बहुत गरीब जातियाँ हैं। तो इनका विकास तभी हो पाएगा अगर इन जातियों में से भी 2 मेंबर, चाहे वो चेयरमैन हो, डिप्टी चेयरमैन हो, चाहे मेंबर हो, 2 इन जातियों से भी इसमें गठन में कर रहे हैं जब, तो इसमें से लिया जाए। दूसरा, माननीय मंत्री जी, आज ओबीसी का कोई ऑथेंटिक डाटा हमारे पास नहीं है, तो ये डाटा आप कैसे, कहाँ से लेंगे, कैसे करेंगे? तो मुझे उम्मीद है जब ये 2021 में आगे जनगणना होगी हमारी, तो उसमें तो ये प्रयोजन आप इसमें करेंगे, परंतु उससे पहले पिछड़े वर्ग के आंकड़े हम कहाँ से लेंगे और कैसे, मतलब इसका करेंगे, तो इसके बारे में भी जब आप इसका जवाब दें, इसके बारे में थोड़ा बताने काम करेंगे। तो मंत्री जी, ये ठीक है, ये जो बिल आएगा इससे एक सामाजिक और आर्थिक संरक्षण पिछड़े वर्ग के लोगों को मिलेगा, तो पिछड़े वर्ग का भला तब तक नहीं हो पाएगा जब तक उनको राजनीतिक संरक्षण भी मिले, उनको राजनीतिक रक्षण भी मिले। तो मैं इस बिल की तो आपको बधाई देता हूं और एक आपसे पूरा पुरजोर अपील भी करना चाहूंगा सर, आपके माध्यम से सरकार को, कि आप इसके बाद एक बिल और लेकर के आए ओबीसी के लिए, जिसमें राजनीतिक आरक्षण का भी उसमें मतलब मामला बने। जब इनको देखो, किसी वर्ग का, किसी भी जाति का भाग्य का फैसला कहाँ होता है? भाग्य का फैसला जो होता है असेंबली में या होता है पार्लियामेंट में। अगर किसी वर्ग का, ओबीसी का पार्लियामेंट में कोई नुमाइंदा न हो, असेंबली में कोई नुमाइंदा नहीं हो, तो हम सोच नहीं सकते कि इनका भला हो सकता है। इसलिए इनका भला अगर चाहते हैं, इनको आज समय की आवश्यक जरूरत है, इनको राजनीतिक रक्षण भी मिलना चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है इसके बाद आप इस मसौदे पर आप काम करना शुरू करेंगे और जल्दी ही एक राजनीतिक से संबंधित आरक्षण से बिल, एक बिल लेकर के आएंगे। मैं और ज्यादा ने कहता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप पिछड़ों का, पिछड़ों की भलाई के लिए और ये बिल लेकर के आए। आपने मेरी बात को सुना सर, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।